हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल RNCC नर्सिंग ऑनलाइन कोचिंग एंड ऑनलाइन टेस्ट सीरीज। तो आज हमारी थर्ड क्लास है NORSET के एग्जाम के अकॉर्डिंग। तो अपनी इस क्लास के अंदर हम जो है वो एम्स के प्रीवियस MCQs सोल्व करेंगे। जो भी प्रीवियस एग्जाम हुए हैं अभी तक एम्स के, दो 2016 से लेकर अभी तक, वो जो है हम क्वेश्चन यहाँ पे सोल्व करेंगे। ठीक है, अपन जब जून के अंदर अगर NORSET कितनी भी जो जिस डेट पे होता है तब तक अपन क्या करेंगे वो अपन सोल्व करने की पूरी पूरी कोशिश करेंगे। साथ साथ में उन टॉपिक्स को भी हम पढ़ेंगे जो टॉपिक्स पे क्वेश्चन पुट ऑन हुए हैं। तो ऐसा हमारे पास में थोड़ा सा मैटर बन जाएगा इंपॉर्टेंट एग्जाम के अकॉर्डिंग। तो उस तरीके से हम हमारे जो है वो अभी करंटली अपनी क्लासेज चल रही है, और अभी हमने हमारे NORSET के लिए स्पेशल टेस्ट सीरीज करवाई हुई है जो कि RNCC के आपको ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पर मिल जाएगी, जो आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो RNCC की ऑफिशियल ऐप। तो वहाँ पे अभी हमने NORSET की टेस्ट सीरीज रन करवा रखी है, उसमें हमने टोटल 120 टेस्ट सीरीज जो है हमने वहाँ पे डाले हैं। तो प्राइस भी हमने उसकी एकदम अफोर्डेबल रखी है, जो भी स्टूडेंट उसको बाय करना चाहे एंड गो फॉर इट एंड ग्रैब द अपॉर्चुनिटी। सो शुरू करते हैं अपनी आज के MCQ सेशन को। सो फर्स्ट MCQ है हमारा, अर्ली सिम्टम ऑफ हाइपोग्लाइसीमिया। हाइपोग्लाइसीमिया जब होता है तब उसका अर्ली सिम्टम क्या होता है? डायफोरेसिस, सिंकोप, वोमिटिंग या फिर हेडेक। अर्ली सिम्टम ऑफ हाइपोग्लाइसीमिया, हाइपोग्लाइसीमिया मीन्स क्या होता है? बॉडीज ग्लूकोज लेवल इज लेस देन 70 mg पर dl। ठीक है, अगर लेस देन 70 mg पर dl होता है तो उसको हम क्या कहते हैं? हाइपोग्लाइसीमिया। ठीक है, अब इसके साइन एंड सिम्टम कब आना शुरू होते हैं हाइपोग्लाइसीमिया के? जब लेस देन 55 mg पर dl होता है तब इसके साइन एंड सिम्टम जो है वो अपीयर होना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, इन सम केसेज के अंदर लेस देन 70 में भी शुरू होते हैं, बट मोस्टली अगर अपन कॉमन किसी पर्सन की बात करते हैं तो लेस देन 55 या फिर एट द एवरेज ऑफ 55 हाइपोग्लाइसीमिया के साइन एंड सिम्टम आने शुरू हो जाते हैं। अब यहाँ पे आपसे पूछा है कि इसका अर्ली सिम्टम कौन सा होगा। तो देखिए, अर्ली सिम्टम हाइपोग्लाइसीमिया का क्या होता है? डायफोरोसिस। ठीक है, डायफोरोसिस, उसको स्वेटिंग होती है, वो क्या कहलाती है? अर्ली सिम्टम होता है। ठीक है, आपसे एग्जाम में क्या पूछा गया था? अर्ली सिम्टम, अर्ली में क्या आता है? डायफोरोसिस। अब अगर आपसे एग्जाम के अंदर पूछे लेट सिम्टम, तो लेट सिम्टम कौन सा हो जाएगा? सिंकोप। ठीक है, अर्ली सिम्टम से भी MCQ बना हुआ है, तो हो सकता है आपसे लेट सिम्टम पूछ ले। बाकी वोमिटिंग एंड हेडेक, इससे इतने अर्ली एंड लेट वाले सिम्टम्स के अंदर इनमें काउंट नहीं होता है जितना डायफोरोसिस एंड सिंकोप यहाँ पे एसेंशियल है। ठीक है, अब देखिए, डायफोरोसिस सिम्टम है वो किस प्रकार का सिम्टम है? ये एक न्यूरोजेनिक साइन के अंदर कैटेगरी के अंदर इनको हम इंक्लूड करते हैं। ठीक है, तो और कौन कौन से साइन है जो न्यूरोजेनिक साइन के अंदर आते हैं? किसमें? हाइपोग्लाइसीमिया वाली कंडीशन में। तो बात करते हैं, ट्रेमर्स देखने को मिल सकते हैं अपन हाइपोग्लाइसेमिक में, पाल्पिटेशन, उसके बाद में एंजाइटी। ठीक है, डायफोरोसिस तो मैंने आपको बता ही दिया है, मैं आपको इसके अलावा और क्या क्या सिम्टम देखने को मिलते हैं वो बता रहा हूं। हंगर, इसके बाद में पैरास्थीसिया। ठीक है, नमनेस वगैरह, टिंगलिंग सेंसेशन वगैरह होना, तो ये सारे जो सिम्टम्स हैं ये टाइप ऑफ न्यूरोजेनिक साइन है। ठीक है, तो डायफोरोसिस इज द अर्ली सिम्टम ऑफ हाइपोग्लाइसीमिया। इसी के साथ ही मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट MCQ पे। साइन इंडिकेटिंग VP संट डिसफंक्शन। ठीक है, साइन इंडिकेट, ऐसा कौन सा साइन है जो इंडिकेट करता है VP संट डिसफंक्शन? ऑप्शन क्या है? टेंस्ड फॉन्टेनल, क्राइंग, फीडिंग डिफिकल्टी या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो देखिए, VP संट होता क्या है, इसकी क्या फुल फॉर्म होती है? वेंट्रिकुलो पेरिटोनियल शंट। ठीक है, वेंट्रिकुलो पेरिटोनियल सेल इसकी फुल फॉर्म होती है। आपसे MCQ पूछा गया कि इसके डिसफंक्शन से, ठीक है, तो सबसे पहले इसका फंक्शन क्या होता है? तो देखिए, वेंट्रिकुलो पेरिटोनियल शंट
क्या करता है, रिलीव ब्रेन प्रेशर। ठीक है, हमारे ब्रेन के अंदर एक ऑप्टिमम मेंटेन प्रेशर रहता है। अगर वो प्रेशर बढ़ जाता है, ठीक है, बढ़ेगा किस प्रकार से, एक्सेसिव सीएसएफ प्रोडक्शन से। एक्सेसिव सीएसएफ का अगर प्रोडक्शन हो रहा है तो इसकी वजह से क्या हो रहा है, ब्रेन के अंदर प्रेशर अराइज हो रहा है, जिसको हम क्या बोल सकते हैं, हाइड्रोसिफेलस। ठीक है, तो इस कंडीशन को ट्रीट करने के लिए अपन क्या करते हैं, प्रेशर को मेंटेन करने के लिए क्या करते हैं, वेंट्रिकुलो पेरिटोनियल शंट को हम एस्टैब्लिश करते हैं। यह एक प्रकार से क्या होता है, मेडिकल डिवाइस होता है, ठीक है, जो क्या काम करेगा, प्रेशर को डिक्रीज करने में हेल्प करता है। अब आपसे पूछा है, ये तो हो गया इसका फंक्शन, अब इसका डिसफंक्शन क्या, अगर ये वेंट्रिकुलो पेरिटोनियल शंट में किसी ना किसी प्रकार का ऑब्स्ट्रक्शन वगैरह हमें देखने को मिल गया है, तो अब क्या साइन सिम्टम आएंगे, मतलब ये डिसफंक्शन हो गया इसका, क्या साइन सिम्टम देखने को मिलते हैं। तो देखिए, ऑल ऑफ द अबव यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि टेंस फोंटेनल, क्राइंग एंड फीडिंग डिफिकल्टी, ठीक है, इनके साथ में और क्या देखने को मिल सकता है, वोमिटिंग, ड्रोजीनेस, ठीक है, हेडेक, तो इतने सारे साइन सिम्टम हमें देखने को मिल सकते हैं। तो इसके अंदर अपना करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर। तो यहाँ पे एम्स दिल्ली का जो एग्जाम हुआ था 2016 में, तो ये एमसीक्यू पूछा गया था। तो वेंट्रिकुलो पेरिटोनियल शंट किस में काम में लेते हैं, हाइड्रोसिफेलस वाली कंडीशन के अंदर। अब देखिए, हाइड्रोसिफेलस से आपको और क्या क्या एमसीक्यू देखने को मिल सकते हैं, इसके देखिए साइन सिम्टम में से आपको एमसीक्यू बनते हैं, ठीक है। तो जब किसी पेशेंट को हाइड्रोसिफेलस की कंडीशन होता है तो वहाँ पे क्या देखने को मिलता है, अगर ये मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम किसकी है, मोस्ट कॉमन इन पीडियाइज, ठीक है, जो पीडियाट्रिक बच्चे होते हैं उनमें ये मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम देखने को मिलती है, ठीक है। क्यों देखने को मिलती है, क्योंकि वहाँ पे अगर क्या होता है कि सुचर्स वगैरह इतने अच्छे नहीं होते, मेच्योर नहीं होते हैं, ठीक है, और अगर उनके अंदर क्या सीएसएफ अगर ज़्यादा एक्यूमुलेशन हो गया, ठीक है, या फिर उनका एब्जॉर्प्शन कम हो रहा है सीएसएफ का अरेकनॉइड विले के अंदर, तो क्या होगा, अगर सीएसएफ का ब्रेन के अंदर ज़्यादा एक्यूमुलेशन होगा तो क्या हो जाएगा, लार्ज ब्रेन हो जाएगा। सब इसके साथ में और क्या क्या देखने को मिलता है, एंटीरियर फोंटेनल बल्ज हो जाएगा, ठीक है, जो टेंस फोंटेनल मींस शंकन, अगर ये फोंटेनल कैसा होता है, शंकन, तो किसका साइन सिम्टम है, शंकन, डिहाइड्रेशन का, एग्जाम में पूछा हुआ है, डिहाइड्रेशन हो रहा है बच्चे में, क्या देखना, क्या देखना आपको, शंकन फोंटेनल, अगर वो श्रिंक हो रहा है फोंटेनल, डिप्रेस्ड है, तो किसका साइन है, डिहाइड्रेशन का, और अगर वो लार्ज है, बल्ज हो रखा है, ठीक है, तो वो किसका साइन है, हाइड्रोसिफेलस का, हो सकता है वहां पे हाइड्रोसिफेलस हो, ठीक है। और इसके साथ साथ में स्काल्प वेंस भी कैसी हो रहती है, यहाँ पे विजिबल हो जाती है, इसके साथ में और क्या होता है, आई कैसी हो जाती है उसके बच्चे की, आई कैसी हो जाती है, सन सेटिंग आईज, ठीक है। तो ये क्या है, नॉर्मल एक पर्सन की आई होती है, जो कॉर्निया इस प्रकार से हमें देखने को मिलता है, और जो हाइड्रोसिफेलस वाले बच्चों के अंदर आई कैसे देखने को मिलती है, ऐसे जो सूर्यास्त होता है, ठीक है, सनडाउन जो होता है, तो ऐसी उसको आईज हमें देखने को मिलती है, ठीक है। तो ये सारे जो साइंस हैं, ये हाइड्रोसिफेलस वाले पेशेंट्स के अंदर देखने को मिलते हैं, और इसके ट्रीटमेंट के लिए अपन क्या करते हैं, वेंट्रिकुलो पेरिटोनियल शंट को एस्टैब्लिश करते हैं, ताकि हाइड्रोसिफेलस वाली कंडीशन ट्रीट की जा सके। इसके साथ में और क्या क्या सिम्टम देखने को मिल सकते हैं हमें हाइड्रोसिफेलस वाले पेशेंट के अंदर, तो देखिए, क्राई, तो क्राई कैसे देखने को मिलेगी, हाई पिच क्राई जो है वो बच्चे में देखने को मिलती है। इसके साथ में और क्या क्या साइन सिम्टम देखने को मिलेंगे, प्रोजेक्टाइल वोमिटिंग, ठीक है, प्रोजेक्टाइल वोमिटिंग भी हाइड्रोसिफेलस वाले पेशेंट के अंदर देखने को मिलती है। इसके बाद में बात कर लेते हैं हम इसके मैनेजमेंट की। हाइड्रोसिफेलस से काफ़ी सारे एमसीक्यू बनते हैं, इसीलिए इस टॉपिक को थोड़ा डीपली थोड़ा डिस्कस किया जा रहा है, ठीक है। अब देखिए, मैनेजमेंट अपन करने के लिए अपन क्या देंगे, सबसे पहले बात करते हैं मेडिकल मैनेजमेंट की। तो मेडिकल मैनेजमेंट के लिए अपन क्या करेंगे, एसिटाजोलामाइड, ठीक है, इसके साथ में दूसरा अपन क्या देख सकते हैं, मैनिटोल, ये दोनों जो है वो सीएसएफ के जो प्रेशर है उसका, जो ब्रेन के ऊपर जो प्रेशर पड़ रहा है उसको ये डिक्रीज करने में हेल्प करेंगे। इसके साथ में बात कर लेते हैं सर्जिकल मैनेजमेंट की।
ठीक है, सर्जिकल में काफ़ी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू बनता है। एक एमसीक्यू तो अपन सोल्व कर रहे हैं अभी, उसी के अंदर हमने ये सब चीज़ें पढ़ रहे हैं। सबसे पहला क्या होता है, वेंट्रिकुलो पेरिटोनियल शंट, सेकंड वेंट्रिकुलो एट्रियल शंट। डायरेक्ट अपन एट्रियम के अंदर एक शंट डालते हैं, जो वहाँ का जो सी एस एफ वगैरह है वो वहाँ से अपन डिस्कार्ड करके एट्रियम तक वो डायरेक्ट ब्लड वेसल्स के अंदर हम पहुंचा सकते हैं। ठीक है, इसके बाद में देखिए एक मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू और बनता है इससे, क्या कर सकते हैं अपन इसके अंदर, कोरोइड। कोरोइड प्लेक्सेक्टोमी, ठीक है, कोरोइड प्लेक्सस के अंदर हमें क्या करनी है, एक्टोमी करनी है, कट डाउन करना है कोरोइड प्लेक्सस को। अच्छा, अब कोरोइड प्लेक्सस को क्यों कट किया है यहाँ पे, क्योंकि यही क्या करता है, प्रोडक्शन ऑफ सीएसएफ। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू बनता है कि सीएसएफ का प्रोडक्शन किसके द्वारा किया जाता है, तो कोरोइड प्लेक्सस के द्वारा। ठीक है, एमसीक्यू बना हुआ है, आगे भी बन सकता है, इसलिए अपन क्या करते हैं इसके सर्जिकल मैनेजमेंट में कोरोइड प्लेक्सेक्टोमी अपन कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए ये तो हो गया प्रोडक्शन की बात। अब अगर आपसे एग्जामिनर पूछ लें कि एब्जॉर्प्शन कहाँ होता है, एब्जॉर्प्शन इसका होता है एरेक्नोइड स्पेस में, एरेक्नोइड स्पेस बोल दो या फिर एरेक्नोइड विले। ठीक है, दोनों एमसीक्यू यहाँ पे एग्जाम में बने हुए हैं, आगे भी बन सकते हैं, इसलिए ध्यान में रखना है कि सीएसएफ का प्रोडक्शन कहाँ होता है, कोरोइड प्लेक्सस से। कोरोइड प्लेक्सस के बाद में ये थर्ड वेंट्रिकल से बाद में फोर्थ वेंट्रिकल के बाद में एरेक्नोइड स्पेस के अंदर आके इसका वापस एब्जॉर्प्शन हो जाता है। ठीक है, बाकी इसके कुछ टाइप्स होते हैं, कम्युनिकेटिंग हाइड्रोसिफेलस, ऑब्स्ट्रक्टेड हाइड्रोसिफेलस। ठीक है, तो अभी ये हो गया अपना, मोस्टली अपने क्वेश्चन यहाँ पे सोल्व किए। अब क्वेश्चन किससे बनेंगे, नर्सिंग केयर से। तो नर्सिंग केयर से क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, इसे देखिए। फर्स्ट एमसीक्यू, वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है यहाँ पे, पोजिशन जिसका वीपी सेंट लगा है तो उसमें हम पोजिशन क्या देंगे, पोजिशन इन विपिशंट। तो अगर लगा है तो अपन क्या देंगे, ऑपरेशन यहाँ पे किया गया है, विपिशंट डाला गया है, तो पोस्ट ऑपरेटिवली अपन क्या पोजिशन देंगे, अनऑपरेटेड साइड, या फिर कौन सी पोजिशन, सुपाइन पोजिशन। बट अगर ऑप्शन में आपको अनऑपरेटेड साइड दिखाया गया है, बताया गया है, तो अपनी प्रायोरिटी क्या रहेगी, अनऑपरेटेड साइड इज द करेक्ट आंसर। अब अनऑपरेटेड साइड क्यों रखा, ताकि रिलीव प्रेशर, प्रेशर कैसे रिलीव होगा, अगर अपन ऑपरेटेड साइड में अगर अपन को सुला देंगे तो जो है वो ट्यूब है वो क्लॉग हो जाएगी, ठीक है, किंक हो जाएगी ट्यूब, तो आगे जाके वो सीएसएफ का ड्रेन नहीं होगा, प्रेशराइज हो जाएगा, इसलिए क्या करेगा, अनऑपरेटेड साइड सुलाना है तो ट्यूब जो है वो ओपन रहेगी, जिससे क्या होगा, प्रेशर जो है वो रिलीव हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट एमसीक्यू क्या बनता है, और पोजिशन के अंदर बात करते हैं तो लो फॉलर पोजिशन। तो इसके अंदर हम बेड को कितना रखते हैं, 13 डिग्री एलिवेटेड रखना है बेड को। ठीक है, 13 डिग्री से ज़्यादा हमें एलिवेटेड नहीं रखना है, क्योंकि वो सडन डिक्रीज कर देगा सीएसएफ प्रेशर को, क्योंकि हमने क्या डाल रखा है, शंट डाल रखा है। तो नॉट मोर देन 30 डिग्री, हम 30 डिग्री तक अपन क्या कर सकते हैं, बेड को एलिवेट करके रख सकते हैं। इसके बाद में एक और एमसीक्यू बनता है, वो भी आप देख लीजिए। अब जिस पेशेंट के अंदर वीपी शंट लगाया गया है, तो वहाँ पे क्या करना है, हमें मेजर करना है क्या, हेड सर्कमफेरेंस को। जो कब मेजर करोगे आप, एवरी 2 hours से। ठीक है, ये भी एमसीक्यू पूछा हुआ है, ध्यान में रखना, दूसरे एग्जाम्स में पूछा हुआ है, एम्स में डायरेक्टली ऐसा एमसीक्यू नहीं आया है, बट एवरी 2 hourly जो हम क्या करते हैं, हेड सर्कमफेरेंस को अपन ध्यान में रखते हैं। नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू, एक और एमसीक्यू होता है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्या होगा, साइन होता है सीएसएफ लीकेज का। सीएसएफ लीकेज के अंदर एक साइन देखने को मिलता है, कौन सा साइन होता है, हेलो रिंग टेस्ट। ठीक है, इसके अंदर हम क्या करते हैं, एक हम गोज पीस लेते हैं या फिर कुछ कपड़ा लेते हैं, ठीक है, स्टेराइल होना चाहिए, उसके अंदर हम क्या करते हैं, जो सीएसएफ जो अगर जो नोज सैंपल कलेक्ट करते हैं, कहाँ से, नोज से या फिर
ईयर से जो भी डिस्चार्ज हुआ उसको हम कलेक्ट करते हैं उस कपड़े के ऊपर, ठीक है, लाइक गोच पीस के ऊपर आप मान लीजिए। इसके अंदर हमें क्या देखने को मिलेगा, एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिलेगी, येलोइश रिंग लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिलेगी, ठीक है। तो ये क्या हो गया, हेलो रिंग टेस्ट हो गया। अंदर क्यों है, क्योंकि इसके अंदर ग्लूकोज भी प्रेजेंट रहता है, ठीक है, CSF के अंदर, तो इसकी वजह से जो है वो यहाँ पे येलोइश रिंग थोड़ा प्रेजेंट होगी उसके आउटर साइड में। अगर है तो वो, अगर ब्लड वगैरह देखने को मिला है तो वो हो सकता है कि आगे वो कुछ ब्रेन इंजरी की वजह से हुआ हो, बट अगर नॉर्मल तरीके से हमें CSF लीकेज का पता लगाना है तो हम हेलो रिंग टेस्ट अपन कर सकते हैं। बाकी लैब डायग्नोसिस वगैरह तो हम कर ही सकते हैं, बट अपन खुद फिजिकली विजिबल अपन आइडिया लगा सकते हैं, ठीक है। तो ये कुछ MCQs हो गए हमारे साथ में, काफ़ी MCQ हमने, मोर देन 20+ MCQ हमने सोल्व किए हैं इस एक ही MCQ में। टॉपिक क्या था हमारा, हाइड्रोसिफेलस, ओके। टॉपिक हमने क्या पढ़ा था, हाइड्रोसिफेलस को हमने आज कंप्लीट कर लिया है। इसी प्रकार से हम नर्वस सिस्टम के साथ में अपन सारे टॉपिक जो है वो कंप्लीट करते जाएंगे जो एग्जाम के अंदर पूछे गए हैं। नेक्स्ट MCQ अपना, फॉलोइंग हेड इंजरी विच अमंग द फॉलोइंग इज द अलार्मिंग सिम्टम। अलार्मिंग सिम्टम क्या होगा, अगर किसी पेशेंट को क्या हो गया है, हेड इंजरी हो गया है, अब हमें क्या असेस करना है, कौन सा सिम्टम मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा यहाँ पे, डिस्चार्ज फ्रॉम ईयर, टैकेपनिया, टैकीकार्डिया या फिर रिएक्टिंग प्यूपिल्स। कौन से साइन को हमें एक अलार्मिंग साइन या फिर मोस्ट प्रायोरिटी साइन मानना है अगर पेशेंट में हेड इंजरी हुई है तो। तो देखिए कौन सा साइन ऐसा अलार्मिंग साइन होगा हमारा, वो होगा ऑप्शन नंबर ए, अगर डिस्चार्ज आ रहा है ईयर से तो ये एक प्रकार का अलार्मिंग साइन है, क्योंकि अगर हेड इंजरी हुई है और ईयर से अगर डिस्चार्ज आ रहा है तो हो सकता है वो क्या हो, CSF हो, ठीक है। तो हमें अगेन कौन सा टेस्ट हम परफॉर्म कर सकते हैं एज ए नर्स बेसिस पे, हेलो रिंग टेस्ट, ठीक है, हेलो रिंग टेस्ट अपन असेस कर सकते हैं। साथ साथ में अगर यहाँ पे CSF ड्रेन हमें देखने को मिला है, हमने देख लिया भाई यहाँ पे CSF है हेलो रिंग टेस्ट की मदद से, तो ये क्या हमें इंडिकेट करेगा, दिस इंडिकेट बैसिलर स्कल फ्रैक्चर, ठीक है। ये एक बेसिलर स्कल फ्रैक्चर का एक साइन एंड सिम्टम के अंदर आता है कि अगर बेसिलर स्कल फ्रैक्चर होता है तो क्या होता है, डिस्चार्ज होता है ईयर में से, ठीक है, जो ब्लडी डिस्चार्ज होता है, फिर उसके अंदर अपन CSF भी असेस कर सकते हैं। तो ये अगर डिस्चार्ज हो रहा है ईयर से तो हमारा ये क्या हो गया, अलार्मिंग साइन हो गया। बाकी टेकिपनिया एंड टेकीकार्डिया मोस्ट इन हेड इंजरी वाले पेशेंट में देखने को मिलता है, बट प्रायोरिटी क्या रहेगी हमारी यहाँ पे, क्योंकि अलार्मिंग साइन पूछा है आपसे, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रायोरिटी साइन पूछा है आपसे, तो वो क्या होगा, हेड इंजरी का डिस्चार्ज फ्रॉम ईयर। नेक्स्ट देखिए आपको एक ऑप्शन में देखने को मिल रहा है रिएक्टिंग प्यूपिल्स, ये तो एक अच्छी बात है, ये तो एक पॉजिटिव साइन है कि उसको ज़्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि प्यूपिल्स अगर रिएक्ट कर रही है लाइट के साथ में तो ये एक अच्छी गुड न्यूज़ होती है, ठीक है। अगर प्यूपिल्स रिएक्टिव नहीं रहती है तो ये एक बेड न्यूज़ रहती है, तो इसलिए ये एक अच्छा साइन है, तो इसके लिए अलार्मिंग सिम्टम की यहाँ पे नीड नहीं है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे अपना यहाँ पे करेक्ट होगा, ठीक है। नेक्स्ट MCQ, GBS इज कैरेक्टराइज्ड बाई, ठीक है, GBS इज कैरेक्टराइज्ड बाई असेंडिंग वीकनेस, ट्रेमर्स, टिंगलिंग, टोसिस। GBS इज कैरेक्टराइज्ड बाई, यहाँ पे आपसे क्या पूछा गया है, GBS, तो GBS की क्या फुल फॉर्म होती है, गुलियन बैस सिंड्रोम। आपको इसका साइन सिम्टम पूछा गया है गुलियन बैस सिंड्रोम का। तो देखिए सबसे पहले अपन इसके बारे में तो डिस्कस कर लेते हैं, गुलियन बैस सिंड्रोम होता क्या है। तो देखिए डायरेक्ट MCQ बनता है, गुलियन बैस सिंड्रोम के अंदर क्या होता है, सबसे पहले इसकी किसकी डिसऑर्डर है, कौन से सिस्टम की डिसऑर्डर है, तो नर्वस सिस्टम में भी कौन सा, PNS पैरासिम्पेथेटिक नर्वस सिस्टम की ये प्रॉब्लम होती है, ठीक है, नॉट ए सिंपेथेटिक नर्वस सिस्टम, ठीक है, पैरासिम्पेथेटिक नर्वस सिस्टम की प्रॉब्लम है। MCQ नंबर 1 ध्यान में रखना, MCQ भी यहाँ पे काफ़ी सारे बताएंगे, साथ साथ में आप नोट डाउन भी करते जाएगा ताकि रिविजन में हेल्प रहे, ठीक है। इसके अभी डिसऑर्डर के अंदर होता क्या है, देखिए जिसके अंदर क्या होता है, डीमाइलिनेशन ऑफ न्यूरॉन ऑफ क्रेनियल एंड स्पाइनल नर्व्स, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है, डीमाइलिनेशन, आप सभी को पता है ये क्या है, हमारा न्यूरॉन है, और न्यूरॉन के ऊपर ये क्या होती है, माइलिन शीट प्रेजेंट रहती है जो अच्छा कंडक्शन का काम करती है इंपल्स को एक दूसरे पहुंचाने में, बट
इस कंडीशन के अंदर क्या होता है, यहाँ पे डीमायलिनेशन होना शुरू हो जाता है कुछ केसेस के अंदर, उसको हम क्या बोलते हैं, गुलियन बेर सिंड्रोम। और ये कहाँ होता है, क्रैनियल नर्व में और स्पाइनल नर्व्स के अंदर ये मोस्टली देखने को मिलता है, वो भी किसकी, पैरासिम्पेथेटिक नर्वस सिस्टम की। और देखिए अब नेक्स्ट इससे क्या एमसीक्यू बनता है, इसके अंदर एक नर्व होती है वो मोस्टली अफेक्ट होती है, एक सेल होती है, ठीक है, नर्व सेल जो होती है वो मोस्टली अफेक्टेड होती है, वो कौन सी होती है, स्वान सेल, ठीक है। मोस्टली यहाँ पे स्वान सेल का डीमायलिनेशन हमें देखने को मिलता है इस कंडीशन में, ठीक है। अब जब स्वान सेल का डीमायलिनेशन हो गया है तो ये क्या साइन सिम्टम अराइज करेगी, ये करती है असेंडिंग पैरालिसिस। ठीक है, असेंडिंग पैरालिसिस को ये हमें जनरेट करती है पेशेंट के अंदर। तो हमारा आंसर कौन सा करेक्ट हो गया, ऑप्शन नंबर ए, असेंडिंग वीकनेस या फिर असेंडिंग पैरालिसिस इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस एमसीक्यू। बाकी ट्रेमर्स, टिंगलिंग सेंसेशन, टोसिस तो किसमें देखने को मिलता है, मायसिना ग्रेविस, जो मैंने फर्स्ट नोट सेट की क्लास के अंदर आपको मायसिना ग्रेविस अच्छे से पढ़ाया था। उसके बाद में ट्रेमर्स किसमें देखने को मिलता है, पार्किंसन डिजीज में ट्रेमर्स देखने को मिलता है, आगे का भी टॉपिक आएगा पार्किंसन डिजीज का, हम इसको भी पढ़ लेंगे, ठीक है। बाकी टिंगलिंग सेंसेशन तो जो माउथ के अराउंड ये टिंगलिंग सेंसेशन अगर देखने को मिलता है तो इसमें किसमें देखने को मिलता है, हाइपोकैल्सेमिया के अंदर, ठीक है, टिंगलिंग सेंसेशन अराउंड माउथ वगैरह। तो अब देखिए असेंडिंग पैरालिसिस से इसके नंबर वन एमसीक्यू बन गया, ठीक है। नेक्स्ट एमसीक्यू बन गया हमारा स्वान सेल का एमसीक्यू बन गया, एक क्रैनियल नर्व एंड स्पाइनल नर्व वाला एमसीक्यू बन गया, ठीक है। अब इसके असेंडिंग पैरालिसिस होगा तो ऐसा क्या होगा कि पेशेंट की डेथ हो सकती है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, रेस्पिरेटरी फेलियर, क्योंकि मसल्स, रेस्पिरेटरी मसल्स के अंदर अगर वीकनेस आ जाएगा तो वो ब्रीथिंग नहीं कर पाएगा, ब्रीथिंग नहीं कर पाएगा तो रेस्पिरेटरी फेलियर हो जाएगा, पेशेंट किसको लीड कर देगा, डेथ को। इट इज़ द वेरी सीरियस कंडीशन, अगर वो असेंडिंग पैरालिसिस हो रहा है तो आपको ध्यान में रखना है कि वहाँ पे रेस्पिरेटरी फेलियर उस पेशेंट को नहीं हो, ठीक है। नेक्स्ट एमसीक्यू क्या है, गुलियन बोर सिंड्रोम किस प्रकार की डिजीज है, ऑटो इम्यून, ठीक है, एक प्रकार की ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, ठीक है। अब देखिए ऑटो इम्यून डिसऑर्डर के साथ साथ में हमें क्या असेस करना होता है गुलियन बोर सिंड्रोम में, कि अगर उसको क्या प्रीवियस कोई जीआईटी प्रॉब्लम तो नहीं रही हो, प्रीवियस कोई रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन तो नहीं रहा हो, क्योंकि ये दोनों फिर फैक्टर होते हैं गुलियन बोर सिंड्रोम को आगे एग्रीवेट करने में कि हाँ पेशेंट में हो सकता है। अगर देखिए जी आई फैक्टर में एक बैक्टीरिया होता है, अगर जी आई सिस्टम के अंदर प्रॉब्लम हुई तो उसके अंदर एक बैक्टीरिया रिस्पॉन्सिबल होता है, क्या नाम है इस बैक्टीरिया का, एमसीक्यू पूछा गया है, कॉम्फेलोबैक्टर जेजुनेई, ठीक है। इस बैक्टीरिया की वजह से भी हमें क्या देखने को मिल सकता है, गुलियन बोर सिंड्रोम की कंडीशन है वो अराइज हो सकती है पेशेंट के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन और जी आई ट्रैक्ट का इन्फेक्शन भी अगर यहाँ पे एक को फैक्टर का काम करता है इस कंडीशन को डेवलप करने में, ठीक है। इसके साथ साथ में हमें और क्या क्या साइन सिम्टम देखने को मिल सकता है, यहाँ पे गुलियन बोर वाले पेशेंट के अंदर असेंडिंग पैरालिसिस हो गई, साथ में नेक मसल्स के अंदर भी क्या देखने को मिल सकता है, वीकनेस देखने को मिल सकती है, ठीक है। और क्या देखने को मिल सकता है, आई रिफ्लेक्सिया, ठीक है। और क्या देखने को मिल सकता है, यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस, ठीक है, यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस भी देखने को मिल सकता है, ब्लैडर मसल्स वगैरह वो प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर रही है, तो साथ में और क्या देखने को मिल सकता है, हाइपोटोनिया। तो जो भी मसल्स से रिलेटेड सिम्टम है, जो मसल्स अगर पैरालिसिस हो जाएगी तो अपन बॉडी के सारे सिम्टम यहाँ पे अपन मेंशन कर सकते हैं, समझने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, ऐसे हम बहुत सारे ऑप्शंस अपन यहाँ पे डाल सकते हैं सिम्टम्स के अंदर, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट आप बात कर लेते हैं इसके मैनेजमेंट की, मैनेजमेंट से पहले अपन बात कर लें इसके डायग्नोसिस की। डायग्नोसिस में क्या करवा सकते हो आप, फिजिकल एग्जामिनेशन करवा सकते हो, दूसरा सीएसएफ का आप कल्चर करवा सकते हो इस केस के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट आप क्या करा सकते हो, एमआरआई करवा सकते हो, ठीक है। एमआरआई में आप जो है वो नर्व्स की स्टडी कर सकते हो, ठीक है। सीएसएफ कल्चर करके आप जो बैक्टीरियल अगर इन्फेक्शन हुआ है या फिर वायरल इन्फेक्शन वगैरह कुछ होता है तो वो आप देख सकते हो, ठीक है। इसके बाद में मैनेजमेंट की हम बात करते हैं तो अपन क्या सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू बनता है मैनेजमेंट से, तो क्या बनेगा, प्लाज्मा पेरेसिस करवा सकते हैं हम यहाँ पे, ठीक है। इसके बाद में हम क्या कर सकते हैं, इम्यूनो ग्लोबुलिन है, डायरेक्ट अपन जो है वो पेशेंट को प्रोवाइड करवा सकते हैं, ठीक है। इम्यूनो सप्रेसेंट ड्रग्स, इम्यूनो सप्रेसेंट ड्रग्स भी हम जो पेशेंट को दे सकते हैं। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू बताता हूँ मैं आपको, अगर
गुलिन-बेयर सिंड्रोम में क्या होता है, रेस्पिरेटरी मसल्स के अंदर क्या देखने को मिल सकता है, वीकनेस देखने को मिल सकता है। तो एम्स एमसीक्यू पूछा हुआ है, एम्स 2018 के अंदर एमसीक्यू आया था कि गुलिन-बेयर सिंड्रोम का पेशेंट है तो उसके नियर बाई आप क्या रखोगे, तो नियर बाई आप क्या रखोगे इंट्यूबेशन पे, ठीक है ध्यान में रखना एमसीक्यू बना हुआ है गुलिन-बेयर सिंड्रोम वाले पेशेंट के नियर बाई आप क्या रखोगे इंट्यूबेशन ट्रे रखोगे, ताकि आप क्या कर सको पेशेंट को एंडोट्रेकियल ट्यूब डाल सको, डायरेक्ट इंट्यूबेट कर सको पेशेंट को, ठीक है वेंटिलेटर पे हम पेशेंट को ले सके। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है जो किससे रिगार्डिंग है गुलिन-बेयर सिंड्रोम के। इसके साथ में अपना गुलिन-बेयर सिंड्रोम भी यहाँ पे कंप्लीट होता है, कुछ दो तीन डिजीज हमने आज डिस्कस की है। नेक्स्ट एमसीक्यू अपना, व्हील केयरिंग फॉर ए टर्मिनली इल कैंसर पेशेंट द प्रायोरिटी नर्सिंग इंटरवेंशन, ठीक है आपसे क्या पूछा है प्रायोरिटी नर्सिंग इंटरवेंशन पूछा है किसके लिए, एक कैंसर पेशेंट है वो भी कौन सा है टर्मिनल स्टेज का है लेट स्टेज का है, क्या प्रायोरिटी आप रहेगी इसमें, रिड्यूस पेन, मेंटेन ए पेटेंट एयरवे, सपोर्ट द फैमिली मेंबर, या फिर एडमिनिस्टर मेडिकेशन। तो देखिए इसके अंदर हमारा जो आंसर क्या रहेगा ऑप्शन नंबर ए, यहाँ पे हमारी प्रायोरिटी किसको देंगे हम पेन को यहाँ पे रिड्यूस करेंगे, क्योंकि टर्मिनल इल का टर्मिनली इल पेशेंट है कैंसर पेशेंट है जो ऑलरेडी किसके अंदर आ चुका है हॉस्पिटल में एडमिट हो चुका है, ठीक है उसकी ऑलरेडी केयर की जा रही है, ठीक है। बट अगर यहाँ पे ऑप्शन हमारा बी क्यों नहीं करेक्ट हुआ, ये क्यों नहीं करेक्ट हुआ, ऐसे तो भाई एयरवे तो हर ऑप्शन में करेक्ट होना चाहिए अगर प्रायोरिटी अपन भाई अपन देते ही हैं, ब्रीथिंग इज द मोस्ट कंडीशन के अंदर ब्रीथिंग को ही अपन करेक्ट मानते हैं, क्यों नहीं मानते इसमें क्यों नहीं माना, क्योंकि यहाँ पे अपन क्या बोल रहे हैं कि व्हील केयरिंग फॉर टर्मिनल इल पेशेंट में अपन केयर करना है, ये किसके अंदर होता है अगर कोई एक्सीडेंट वाली कंडीशंस के अंदर, एक्सीडेंट वाली कंडीशन के अंदर हो गया, ठीक है तो इसके अंदर हम क्या एक्सीडेंट वगैरह का हो गया या फिर कार्डियक अरेस्ट, ऐसा तो कुछ बताया नहीं गया आपके एमसीक्यू के अंदर, ठीक है तो टर्मिनल इल पेशेंट है बट वो इल पेशेंट है मतलब एडमिट है बट वो इल है, ठीक है तो उसके अंदर क्या होता है कैंसर वाले पेशेंट को क्या होता है सीवियर पेन होता है, उसके बाद क्या होता है उसको डिस्कम्फर्ट होता है, कीमोथेरेपी चलती है उससे भी उसको पेन होता है, ठीक है तो हमें क्या करना है प्रायोरिटी क्या रहता है उसके पेन को कम कर दीजिए, बाकी जो है वो उसको कम्फर्ट यहाँ पे जो है वो प्रोवाइड करना होता है, ठीक है इसलिए हमारा ऑप्शन भी यहाँ पे करेक्ट नहीं गया है, पेन काफ़ी ज़्यादा होता है उसको तो टर्मिनल इन पेशेंट में क्या करना होता है पेन को रिड्यूस करना होता है, ये एम्स के अंदर एमसीक्यू पूछा गया था, reduce pain is the correct answer for this MCQ. Support the family members, administer medications, ये तो हमें करनी है but यहाँ पे priority nursing intervention is reduce the pain. Next MCQ अपना LASIK act on, LASIK जो है जो drug है LASIK drug जो है वो कहाँ act करती है, loop of Henle पे, proximal convoluted tubules पे, distal convoluted tubules पे या फिर collecting duct में, ठीक है लेसिक्स जो है वो कहाँ पे एक्ट करती है, तो देखिए लेसिक्स जो है वो कौन सी क्लास की ड्रग है, ठीक है ये क्या है एक प्रकार की डायूरेटिक ड्रग है, ठीक है तो इसके अंदर हमने कुछ क्लासेज बनाते हैं अपन, ठीक है तो लेसिक जो है वो कौन सी क्लास की ड्रग है लूप डायूरेटिक, ठीक है लेसिक क्या है लूप डायूरेटिक है तो ये कहाँ एक करती है लूप ऑफ हेनले पे, ठीक है हमारा ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे लूप ऑफ हेनले इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि क्या है लूप डायूरेटिक होती है, ठीक है इसके अंदर क्या आता है फ्रूसेमाइड, ठीक है फ्रूसामाइड तो सबने नाम सुना ही होगा उसका ही ब्रांड नेम क्या क्या आता है लेसिक, तो ये किसकी लूप डायूरेटिक है लूप ऑफ हेनले पे असेंडिंग लूप ऑफ हेनले पे यहाँ पे ये मेनली अफेक्ट करती है, ठीक है नेक्स्ट ये लूप ऑफ डायूरेटिक कहाँ इफेक्ट किया इसने लूप ऑफ हेनले, ये हो गया एमसीक्यू नंबर वन। डायूरेटिक ड्रग काफी इंपॉर्टेंट है पढ़ के जाना अगर एग्जाम में आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन करते हो डायूरेटिक ड्रग्स को जरूर पढ़ना चाहिए। नेक्स्ट क्या है थियाजाइड्स, जो थियाजाइड ड्रग है
ये कहाँ इफेक्ट करती है? डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबुल्स पे। नेक्स्ट एमसीक्यू, पोटेशियम स्पेरिंग, जो पोटेशियम को होल्ड करके रखती है, बाकी यूरिन आउटपुट करवाती है, तो पोटेशियम स्पेरिंग कहाँ इफेक्ट करती है? ये भी डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबुल्स पे इफेक्ट करती है। इसके बाद में कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर, ठीक है, तो ये कहाँ इफेक्ट करती है? परोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूबुल्स पे, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट, ऑस्मोटिक डायुरेटिक, कौन सी? मैनिटोल, तो ये कहाँ इफेक्ट करती है? ग्लोमेरुलस पे, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, आगे आपको एग्जाम्स के अंदर देखने को मिल सकता है। जिस प्रकार से लेसिक का आपको पूछ लिया, हो सकता है आपको बाकी के ऑप्शंस जो मैंने आपको बताए हैं साथ, आई होप आपने इसको नोट डाउन किया होगा, तो ये भी आगे एग्जाम में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट एमसीक्यू क्या है अपना, ड्यूरिंग एक्लेम्सिया अटैक प्रायोरिटी नर्सिंग इंटरवेंशन इज, जब एक्लेम्सिया के अटैक्स आते हैं पेशेंट को, तो वहां पे प्रायोरिटी नर्सिंग इंटरवेंशन क्या करना होता है? एडमिनिस्टर MgSO4 इंटरवेनियसली, मैग्नीशियम सल्फेट को आप IV लगाइए, या फिर मेंटेन पेटेंट एयरवे, एक पेटेंट एयरवे आपको मेंटेन करके रखना है, ठीक है, ताकि जिससे ऑक्सीजन प्रॉपर उसको पेशेंट को मिल सके। ऑक्सीजन लगानी है पेशेंट को, या फिर रीस्टेन करना है, बांध के रखना है पेशेंट को। क्या रहेगा नर्सिंग इंटरवेंशन, प्रायोरिटी नर्सिंग इंटरवेंशन पूछा आपसे, तो देखिए दो कंडीशंस होती है। सबसे पहले क्या होती है? प्री एक्लेम्सिया, दूसरी क्या होती है? एक्लेम्सिया। ये दोनों किसके टाइप होते हैं? हाइपरटेंसिव डिसऑर्डर इनटू प्रेगनेंसी, ठीक है, प्रेगनेंसी इंड्यूस हाइपरटेंशन, या फिर प्रेगनेंसी की वजह से अगर पेशेंट में हाइपरटेंशन हो रहा है, उसके डिसऑर्डर के अंदर क्या क्या पढ़ते हैं अपन? प्री एक्लेम्सिया और एक्लेम्सिया, ठीक है। प्री एक्लेम्सिया, एक्लेम्सिया का ही थोड़ा लोअर पोर्शन है, एक्लेम्सिया में काफ़ी ज़्यादा थोड़ा सीरियसनेस कंडीशन हमें देखने को मिलती है। तो प्री एक्लेम्सिया के अंदर क्या होता है? हाइपरटेंशन होता है सबसे पहले आफ्टर 20 वीक, ठीक है। आफ्टर 20 वीक जो है वो मदर के अंदर क्या देखने को मिलता है? मदर के अंदर कुछ साइन सिम्टम, कुछ चेंजेस आते हैं। वो क्या आते हैं? सबसे पहले तो ब्लड प्रेशर का अराइज होना, क्योंकि ये क्या है? हाइपरटेंसिव डिसऑर्डर है, तो ब्लड प्रेशर तो अराइज होगा। तो ब्लड प्रेशर अराइज होगा, कितना अराइज हो सकता है? तो 140/92, 160/110 mm of, जो है वो ब्लड प्रेशर वेरी करता है। नेक्स्ट यहाँ पे क्या देखने को मिलता है? प्रोटीनूरिया, प्रोटीनूरिया कितना देखने को मिलेगा प्री एक्लेम्सिया में? less than 2 g/day, ठीक है। एमसीक्यू पूछा हुआ है कि प्रोटीनूरिया कितना देखने को मिलता है प्री एक्लेम्सिया में, एक्लेम्सिया में। नेक्स्ट, अब जब प्रोटीनूरिया होता है तो क्या होगा? डिक्रीज ऑनकोटिक प्रेशर, क्योंकि प्रोटीन क्या करती है? ऑनकोटिक प्रेशर को मेंटेन करके रखती है। अब जब ऑनकोटिक प्रेशर नहीं है तो क्या होगा बॉडी में? एडिमा। तो ये क्या है? क्लासिकल फीचर होते हैं किसके? प्री एक्लेम्सिया के, ठीक है। अब एक्लेम्सिया में ऐसा क्या होता है कि इसको एक्लेम्सिया के अंदर कन्वर्ट किया गया है? एक्लेम्सिया के अंदर क्या होता है? ये सारे सिम्टम के साथ साथ में क्या देखने को मिलता है आपको? कन्वल्जंस, ठीक है, सीजर्स, यहाँ पे टोनिक क्लोनिक फेज वगैरह जो है यहाँ पे देखने को मिलती है। इसलिए इसको सीरियसनेस कंडीशन बोलते हैं प्री एक्लेम्सिया की। अगर प्री एक्लेम्सिया के साइन सिम्टम में हम कन्वल्जन को भी ऐड कर दें तो ये क्या कहलाता है? एक्लेम्सिया, ठीक है। एक्लेम्सिया के अंदर ब्लड प्रेशर कितना हो जाएगा? मोर देन, यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा? 160/100 mg, इससे भी ज़्यादा यहाँ पे जो है वो प्रेशर देखने को मिलता है। इसके बाद में क्या देखने को मिलता है? प्रोटीनूरिया, तो प्रोटीनूरिया कितना देखने को मिलेगा? मोर देन 5 g तक, यहाँ पे 24 hours तक इसका प्रोटीनूरिया देखने को मिल सकता है। साथ में एडिमा होगा, ठीक है, साथ में कन्वल्जंस आएगा। तो आपसे क्या पूछा है? ड्यूरिंग एक्लेम्सिया अटैक, मतलब एक्लेम्सिया में क्या हो रहे हैं? कन्वल्जंस आ रहे हैं, इसलिए इसको एक्लेम्सिया कहा है। अब इसकी नर्सिंग प्रायोरिटी क्या होगी? तो हमारी प्रायोरिटी नंबर क्या होगी? मेंटेन पेटेंट एयरवे, क्योंकि जब ड्यूरिंग एक्लेम्सिया क्या होता है, सबसे पहले हमें क्या करना है? उसको इंजरी से प्रिवेंट करना है, उसके बाद में मेंटेन पेटेंट एयरवे, पेटेंट एयरवे भी मेंटेन करके रखना है, ताकि उसको कभी भी हम रिस्टेंट नहीं लगाएंगे। रिस्टेंट लगाएंगे तो उसको हो सकता है उसको फ्रैक्चर हो जाए, कोई बॉडी में डिसलोकेशन हो जाए, ऑक्सीजन ड्यूरिंग आप वो हट जाएगा प्लेन, उसका पोजीशन मेंटेन, वो पोजीशन इसका एस्टैब्लिश नहीं कर पाओगे आप प्रोब्स का या फिर जो मास्क वगैरह लगाओगे। तो इसलिए हमें क्या करना है? मेंटेन पेटेंट एयरवे, ताकि जो भी
जो आफ्टर हम जो नर्सिंग केयर वगैरह दें उसमें एयरवे उसका मेंटेन रहे तो हम इमीडिएटली उसकी ट्रीट कर सकते हैं, ऑक्सीजन सेचुरेशन बिल्कुल डाउन होता है तो ठीक है। नेक्स्ट, अब इसके अंदर क्या होता है, कॉम्प्लिकेशंस आती है इससे। अब ये तो हो गया, हमारे बेसिक साइंस सिम्टम आ गए। अब देखिए एक्लेम्सिया से एक एमसीक्यू बनता है, फ्लैशेज ऑफ लाइट कहते हैं इसको, फ्लैशेज ऑफ लाइट। फ्लैशेज ऑफ लाइट किसको कहते हैं, एक्लेम्सिया को, ठीक है। एक्लेम्सिया के अंदर हमें क्या होते हैं कि थोड़े विजुअल चेंजेस वगैरह देखने को मिलते हैं, तो यहाँ पे इसलिए हमें क्या कहा है, फ्लैशेज ऑफ लाइट। अब इसके अंदर सीजर आता है, कन्वर्जन आता है, तो किस टाइप का आता है, ग्रैंड मल सीजर। ग्रैंड मल सीजर हम किसको बोलेंगे, जिसके अंदर टोनिक फेज भी होगी, क्लोनिक फेज भी होगी, पोस्ट इक्टेरस फेज भी होगी। ये सीजर की सारी स्टेजेस देखने को मिलती है, ओरा स्टेज, टोनिक, क्लोनिक, पोस्ट इक्टेरस स्टेज। तो ये सारी स्टेज, पांच टाइप की स्टेज आती है इसके अंदर, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, ग्रैंड मेल सीजर। तो ये सारे किसके साइन सिम्टम है, एक्लेम्सिया के, और ये तीनों साइन सिम्टम जो है वो एम्स में तो पूछा ही पूछा हुआ है, बाकी ESIC के अंदर भी ये MCQ पूछा गया है, तो ध्यान में रखना। इसके बाद में देखिए इसकी रिस्क फैक्टर की बात कर लेते हैं अपन, कौन सी पेशेंट को एक्लेम्सिया हो सकता है। सबसे पहले तो ऐसी मदर जो प्राइमरी ग्रेविडा हो, नेक्स्ट डायबिटीज मेलाइटिस वाली पेशेंट को, नेक्स्ट ओबेसिटी वाली पेशेंट को, या फिर उसको जो है वो फैमिली हिस्ट्री हो किसकी, हाइपरटेंशन की, ठीक है। नेक्स्ट अब बात कर लेते हैं कॉम्प्लिकेशन से, काफ़ी इंपॉर्टेंट MCQ बनता है। अगर किसी मदर को प्री एक्लेम्सिया या फिर एक्लेम्सिया की कंडीशन है तो उसमें क्या आएंगे, कॉम्प्लिकेशंस आते हैं। अब कॉम्प्लिकेशंस की बात करते हैं तो क्या कॉम्प्लिकेशन नंबर वन एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या आता है, हेल्प सिंड्रोम। एक्लेम्सिया के अंदर क्या होता है, हेल्प सिंड्रोम होता है। इसकी फुल फॉर्म बहुत बार पूछी गई है, फुल फॉर्म में के अंदर क्या होता है, हीमोलाइसिस इलेवेटेड लीवर एंजाइम एंड लो प्लेटिलेट, ठीक है। तो ये सारे सिम्टम जो है वो किसमें देखने को मिलते हैं, हेल्प सिंड्रोम में। तो एक प्रकार का सिम्टोम है जिसके अंदर क्या होता है, हीमोलाइसिस होता है, ठीक है, साथ साथ में लीवर एंजाइम क्या क्या देखने को मिलेंगे, एलिवेटेड देखने को मिलेंगे और प्लेटिलेट काउंट भी लो देखने को मिलता है। किसमें, हेल्प सिंड्रोम में। किसकी कॉम्प्लिकेशन होती है, एक्लेम्सिया की कॉम्प्लिकेशन होती है। और क्या क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकती है, DIC, नेक्स्ट प्लेसेंटल इनसफिशियंसी, नेक्स्ट क्या देखने को मिल सकता है, एब्रेप्सियो प्लेसेंटा। और भी काफ़ी सारे सिम्टम्स यहाँ पे देखने को मिलते हैं एक्लेम्सिया प्री एक्लेम्सिया वाली कंडीशन में, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट MCQ और क्या बन सकता है इससे, अब बात करते हैं नेक्स्ट MCQ में तो क्या करेंगे, ट्रीटमेंट में। ट्रीटमेंट काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है इसका, ट्रीटमेंट की बात करते हैं तो ट्रीटमेंट में हमें ड्रग देते हैं इसके अंदर, ड्रग ऑफ चॉइस की बात कर लेते हैं तो वो क्या होती है, MgSO4 मैग्नीशियम सल्फेट, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट ड्रग है। लाइक मैंने आपको कहा है डिजोक्सिन पढ़ लेना, एम्स के रिगार्डिंग आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो लिथियम मत भूलना एंड MgSO4 मत भूलना, और आगे भी कुछ ड्रग्स आएगी मैं उनके बारे में पढ़ा दूंगा। अभी तक मैंने डिजोक्सिन पढ़ा दिया आपको, लिथियम पढ़ा दिया, नेक्स्ट MgSO4 पढ़ा दिया। लिथियम मैंने जब SGPJ की प्रिपरेशन करवा रहा था मैं, तब मैंने अच्छे से लिथियम पढ़ाया, ठीक है। नेक्स्ट अब देखिए इसमें क्या है, MgSO4 अपन मेडिसिन देते हैं, ठीक है। तो देखिए MgSO4 का सबसे पहले MCQ क्या बनता है, फर्स्ट MCQ ड्रग कौन सी, MgSO4। नेक्स्ट MCQ इसकी थेरापेटिक रेंज, तो रेंज क्या होती है इसकी, 4-7 मिली इक्वलेंट पर लीटर, ये ध्यान में रखना रेंज, जिसके बारे में कई बार पूछी जा चुकी है। इसके बाद में इसका एंटीडोट, एंटीडोट में क्या आएगा, कैल्शियम ग्लूकोनेट, ठीक है। कैल्शियम ग्लूकोनेट का हमें क्या करना है, बेड साइड हमेशा प्रेजेंट रखना है, जब कभी भी मैग्नीशियम टॉक्सिसिटी होती है तो हमें कैल्शियम ग्लूकोनेट एज ए एंटीडोट के हिसाब से हमें काम में लेना है। साथ में अगर मैग्नीशियम टॉक्सिसिटी देते हैं तो अपन क्या करना है, इनपुट आउटपुट चार्ट को क्या करना है आपको, मेंटेन करके रखना है। कितना होना चाहिए, 30 ml पर हार्स जो है वो यूरिन आउटपुट का हमें देखने को मिलना चाहिए। 30 ml पर आ रहा है मतलब ये क्या है, रीनल फंक्शन यहाँ पे क्या है, नॉर्मल है, ठीक है। अब क्या करना है नेक्स्ट, एक्लेम्सिया वाले पेशेंट को क्या करना होता है, बेड रेस्ट करवाओ उससे और मॉनिटर करो MgSO4 की टॉक्सिसिटी को। अब कैसे मॉनिटर करोगे, इससे भी कई बार MCQ पूछा हुआ है,
MgSO4 की टॉक्सिसिटी को मॉनिटर करना तो किस प्रकार करोगे? तो देखिए, नॉर्मल थेरापेटिक रेंज क्या कितनी होती है? 4 to 7 मिली इक्वलेंट पर लीटर। अब देखिए, अब जैसे जैसे रेंज बढ़ेगी तब तब अलग अलग सिस्टम के डिसऑर्डर हमें टॉक्सिसिटी देखने को मिलेगी। सबसे पहले अगर ये थेरापेटिक रेंज पहुंच गई 7 to 10, अब यहाँ पे क्या होगा? सबसे पहले लॉस ऑफ पटेलर रिफ्लेक्स, या फिर आप बोल दो इसको डीप टेंडन रिफ्लेक्स। तो आप जब कभी भी, आपसे देखिए गोल्ड स्टैंडर्ड एमसीक्यू है, 5 स्टार मार्क्स दे रहा हूँ इसको। MgSO4 टॉक्सिसिटी के लिए अर्लियर साइन में क्या आता है? लॉस ऑफ ये पटेलर रिफ्लेक्स, या फिर आपको क्या असेस करना होता है? डीप टेंडन रिफ्लेक्स को आपको असेस करना होता है। जब कभी भी मैग्नीशियम सल्फेट दे रहे होते हैं, आपको डीप टेंडन रिफ्लेक्स आपको असेस करना है, क्योंकि ये इंडिकेट करेगा कि टॉक्सिसिटी होने लग गई है। इसके बाद में अगर इसका जो लेवल है वो 10 to 15 तक पहुंच गया है, तो ये क्या करता है? रेस्पिरेटरी डिप्रेशन। 10 to 15 तक पहुंच गया तो ये क्या करेगा? रेस्पिरेटरी डिप्रेशन करना शुरू कर देगा। नेक्स्ट, अगर 15 to 20 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर पहुंच गया तो ये क्या कर देगा? यहाँ पे कार्डियक अरेस्ट, कार्डियक अरेस्ट भी ला सकता है। अगर ये मोर देन 20 पहुंच गया तो यहाँ पे क्या हो सकता है? डेथ भी कॉज हो सकती है पेशेंट की। इसलिए मैग्नीशियम टॉक्सिसिटी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में भी बहुत बार पूछी गई है। ठीक है, तो ये एक बार बठिंडा एम्स का MCQ है। तो जब मैं 2020 का MCQ पेपर सॉल्व कराऊंगा तब ये MCQ, ऐसा कुछ MCQ आएगा वापस। तो ये बठिंडा एम्स के अंदर MCQ पूछा गया था कि अर्लीएस्ट साइन ऑफ मैग्नीशियम टॉक्सिसिटी, अर्लीएस्ट साइन ऑफ मैग्नीशियम टॉक्सिसिटी क्या होती है? तो क्या होती है? एब्सेंस ऑफ डीप टेंडन रिफ्लेक्स, एब्सेंस ऑफ डीप टेंडन रिफ्लेक्स इज द अर्लीएस्ट साइन ऑफ मैग्नीशियम टॉक्सिसिटी। तो हमें ये असेस करके रखना है। ठीक है, साथ साथ में अगर टॉक्सिसिटी हो गई है तो ओपन एयरवे हमें मेंटेन करके रखना है। प्रायोरिटी है, ओपन एयरवे को अपन क्या देंगे? प्रायोरिटी देंगे। साथ साथ में अगर टॉक्सिसिटी हो गई है, कार्डियक रेस्पिरेटरी डिप्रेशन हो गया, तो आप ऑक्सीजन फ्लो मीटर, ऑक्सीजन फ्लो कितना रहता है? 8 to 10 लीटर पर मिनट के हिसाब से हमें ऑक्सीजन देनी है। क्यों? क्योंकि वो प्लेसेंटा अगर इनसफिशियंटी हो जाती है, उससे प्रिवेंट करने के लिए, प्रिवेंट प्लेसेंटल इनसफिशियंसी। ठीक है, तो ये टॉपिक भी अपना कंप्लीट होता है आज, प्री एक्लेम्सिया एक्लेम्सिया का भी। नेक्स्ट MCQ पे मूव करते हैं हम। डी कैनुलेशन मीन्स, ठीक है, डी कैनुलेशन हम किसको कहते हैं? डी कैनुलेशन MCQ पूछा हुआ है, काफ़ी अच्छा MCQ है। रिमूवल ऑफ ट्रेकियोस्टोमी ट्यूब, रिमूवल ऑफ IV कैनुला, रिमूवल ऑफ नेजोगेस्टिक ट्यूब, या फिर रिमूवल ऑफ ET ट्यूब। डी कैनुलेशन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डी कैनुलेशन? तो डी कैनुलेशन एक क्या है? एक प्रकार की टर्म है, एक MCQ बना हुआ है इस पर। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? रिमूवल ऑफ ट्रेकेस्टोमी ट्यूब इज नोन एज डी कैनुलेशन। ठीक है, डी कैनुलेशन का ध्यान में रखना। ट्रेकेस्टोमी ट्यूब को जब हम रिमूव करते हैं उसको क्या कहते हैं? डी कैनुलेशन। ठीक है, नेक्स्ट MCQ क्या बनेगा इससे? देखिए, काफ़ी सारे MCQ बताने वाला हूँ मैं इस टॉपिक से। देखिए, सबसे पहले क्या बनेगा? कैनुलेशन। तो क्या करना है? इंसर्शन ऑफ ट्रेकेस्टोमी ट्यूब। नेक्स्ट MCQ तो ये आपके सामने ही है, कौन सा? डी कैनुलेशन का। तो अभी हम एक टॉपिक डिस्कस कर लेते हैं, क्या करना है, कौन सा टॉपिक है? ट्रेकियोस्टोमी। ठीक है, ट्रेकियोस्टोमी आज का लास्ट टॉपिक अपने इस क्लास का। ट्रेकियोस्टोमी काफी इंपॉर्टेंट है फंडामेंटल के अकॉर्डिंग। तो ट्रेकियोस्टोमी क्या होता है? आर्टिफिशियल ओपनिंग इन ट्रेकिया। टू मेंटेन पेटेंट एयरवे, मतलब एयरवे को मेंटेन करने के लिए हमें क्या करना है? आर्टिफिशियल ओपनिंग बनानी होती है ट्रेकिया के अंदर। ठीक है, तो उसको हम क्या कहते हैं? ट्रेकियोस्टोमी। अब बात कर लेते हैं इसके टाइप की। तो टाइप अकॉर्डिंग टू, सबसे पहला टाइप किसके बारे में मानते हैं अपन? ड्यूरेशन के। तो ड्यूरेशन के अकॉर्डिंग किस क्या क्या टाइप की होती है? ड्यूरेशन के अकॉर्डिंग टाइप ए होती है टेम्परेरी, दूसरी कौन सी होती है? परमानेंट।
जो लाइफ लॉन्ग पेशेंट के साथ रहती है, टेम्परेरी मतलब कुछ टाइम तक। तो टेम्परेरी टेकोस्टोमी से एमसीक्यू बनता है कि इसका टाइम ड्यूरेशन कितना रहता है, तो 14 से 21 डे क्या रहता है टेकोस्टोमी ट्यूब टेम्परेरी ड्यूरेशन में हम इसको डिवाइड करते हैं। परमानेंट तो ये क्या है, कैंसर वाले पेशेंट में या फिर कोमाटोज वाले पेशेंट में, जो पर्सन कोमा में रहते हैं उनमें क्या करते हैं, परमानेंट ट्रेकोस्टोमी करते हैं, ठीक है। दूसरा ये इटी जब एंडोट्रेकियल ट्यूब हम क्या करते हैं लंबे टाइम तक उसको हम नहीं होल्ड करके रख सकते हैं, तो एंडोट्रेकियल ट्यूब से भी ज़्यादा अगर उसको पेटेंट एयरवे चाहिए तो हम क्या डालते हैं ट्रेकोस्टोमी ट्यूब, ठीक है। एंडोट्रेकियल ट्यूब के बाद का मैनेजमेंट होता है ये। दूसरा सिचुएशन, दूसरा टाइप की अपन बात करते हैं, सबसे पहला टाइप क्या हो गया ड्यूरेशन, दूसरा टाइप क्या हो गया सिचुएशन कि करते कहाँ पे है ट्रेकोस्टोमी, ठीक है। सबसे पहला सिचुएशन में टाइप वन ले लेते हैं अपन, प्रोफाइलेक्टिक, ठीक है। समझने के बेसिस पे मैंने इसको इतना टाइप बनाया है ताकि एग्जाम के अंदर आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि टेम्परेरी ट्रेकोस्टोमी ट्यूब कितने टाइम तक करनी है, परमानेंट का नहीं पूछेगा। दूसरा आपको सिचुएशन पूछेगा कि इमरजेंसी ट्रेकोस्टोमी कहाँ करनी है, ठीक है, प्लान ट्रेकोस्टोमी कहाँ करनी है, ठीक है। तो देखिए प्रोफाइलेक्टिक ट्रेकोस्टोमी किसके अंदर आती है, प्री प्लांट में, पहले की प्लानिंग की हुई है ट्रेकोस्टोमी करनी है, ठीक है। अब इसके अंदर मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यू क्या बनता है, इंसीजन का, ठीक है। एम्स काफी डीप एमसीक्यू पूछते हैं, तो देखिए इसमें क्या एमसीक्यू बनता है, इंसीजन कहाँ पे करना होता है, तो इंसीजन कैसा करना होता है, कहाँ पे करना होता है, तो इंसीजन कहाँ पे करना होता है, 2-3 ट्रेकियल रिंग में या फिर 3-4 ट्रेकियल रिंग के अंदर, फोर्थ ट्रेकियल रिंग में। अब इंसिजन लगाना कैसा है ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, तो यहाँ पे इंसिजन कैसा लगाते हैं, हॉरिजॉन्टल, ठीक है। एमसीक्यू पूछा हुआ है कि प्लांट ट्रेकोस्टोमी ट्यूब के अंदर इंसिजन कैसा लगाएंगे, हॉरिजॉन्टल इंसिजन। नेक्स्ट एमसीक्यू की बात करते हैं अपन, ये तो हो गया प्लांट, दूसरा टाइप ले लेते हैं अपन इमरजेंसी। इमरजेंसी कब होती है, जब कोई रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस वाली कंडीशन में पेशेंट चला जाता है, तो अब क्या करना है, इमरजेंसी ट्रेकोस्टोमी ट्यूब डालनी होती है उसके, तो यहाँ पे हम इंसिजन लगाएंगे तो किस प्रकार का लगाएंगे, वर्टिकल। एमसीक्यू बना हुआ है, पूछा हुआ है, आगे भी बन सकता है, और ये फिक्स है कि एक जगह लगाएगी। देखिए यहाँ पे तो इंसिजन 2-3 ट्रेकियल रिंग में और 3-4 ट्रेकियल रिंग में लगाया गया है, बट इमरजेंसी ट्रेकोस्टोमी एक ही जगह पे अपन प्लान करते हैं इसको, 3-4 ट्रेकियल रिंग के बीच में हम क्या करते हैं इमरजेंसी ट्रेकोस्टोमी ट्यूब को हम इंसर्ट करते हैं यहाँ पे अपन, ठीक है। तो ये हम जो है वो रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस से प्रिवेंट करने के लिए, आगे पेशेंट की डेथ भी हो सकती है उससे प्रिवेंट करने के लिए हम क्या करते हैं इमरजेंसी में डालते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो गया, वर्टिकल इंसिजन देते हैं, यहाँ पे एमसीक्यू क्या हो गया, हॉरिजॉन्टल एमसीक्यू इंसिजन देते हैं, ठीक है। ये तो हो गया सबसे पहले अकॉर्डिंग टू ड्यूरेशन टाइप कैसा होता है, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन टाइप क्या होता है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं अकॉर्डिंग टू प्लेसमेंट ट्रेकोस्टोमी का टाइप, ठीक है। प्लेसमेंट के अकॉर्डिंग देखिए ट्रेकोस्टोमी का टाइप में तीन टाइप की होती है। सबसे पहला होता है हाई ट्रेकोस्टोमी, सेकंड होता है मिड ट्रेकोस्टोमी, थर्ड वन होता है क्या, लो ट्रेकोस्टोमी। इंसिजन कहाँ पे लगाते हैं यहाँ पे अपन, अबोव द लेवल ऑफ इस्थमस, तो लेवल ऑफ इस्थमस अबोव कहाँ पे होगा, फर्स्ट ट्रेकियल रिंग के पास में, ठीक है। फर्स्ट ट्रेकियल रिंग के पास में अपन यहाँ पे इंसिजन लगाते हैं। इंडिकेशन क्या है इसका, मोस्ट कॉमन इन कैंसर ऑफ लेरिंग्स, अगर लेरिंग्स का कैंसर हो और हमें क्या करना है यहाँ पे इंसिजन लगा के ट्रेकोस्टोमी ट्यूब डालनी है, तो क्या कहाँ डालोगे, ये अपन हाई ट्रेकोस्टोमी, इसको हम क्या प्लांट करेंगे, हाई ट्रेकोस्टोमी करनी है। नेक्स्ट इसकी कॉम्प्लिकेशन क्या होगी इसके अंदर, सबग्लोटिक स्टेनोसिस, जो एपिग्लोटिक होता है, एपिग्लोसिस होता है उसके नीचे का जो रीजन रहता है उसमें क्या आ जाएगा, स्टेनोसिस, उसमें हार्डनेस आ जाएगी, ठीक है। ये हो गई क्या, हाई ट्रेकोस्टोमी। नेक्स्ट बात कर लेते हैं मिड ट्रेकोस्टोमी, तो मिड ट्रेकोस्टोमी कहाँ करते हैं, बिहाइंड द इस्थमस, तो बिहाइंड द इस्थमस कहाँ पे, सेकंड एंड थर्ड ट्रेकियल रिंग के पास में करते हैं, ठीक है।
इट इज द मोस्ट कॉमन यूज ट्रेकेस्टोमी टाइप. मोस्ट कॉमन यूज कौन सी होती है? मिड ट्रेकेस्टोमी. ध्यान में रखना, एमसीक्यू अगर आपसे पूछे तो कौन सी होती है, मोस्ट कॉमन कौन सी होती है? मिड ट्रेकेस्टोमी. ठीक है, इसके अंदर कॉम्प्लिकेशन की रिस्क भी क्या होती है? लो रिस्क ऑफ कॉम्प्लिकेशन. नेक्स्ट बात करते हैं अपन लो ट्रेकेस्टोमी की. तो लो ट्रेकेस्टोमी हम कहां पे करते हैं? थर्ड टू फिफ्थ ट्रेकियल रिंग पे हम लो ट्रेकेस्टोमी करते हैं. ठीक है, यहाँ पे क्या होता है कि डीप इंसिजन लगाना पड़ता है, जो कि एक डिफिकल्ट प्रोसीजर रहता है लो ट्रेकेस्टोमी वाला. ठीक है, अच्छा ये हो गया. अब इसके बाद में और क्या एमसीक्यू बन सकता है ट्रेकेस्टोमी से? देखिए, अब ट्रेकेस्टोमी ट्यूब किस प्रकार की आती है मार्केट में? सबसे पहले आती है कौन सी? कफ ट्यूब. कफ ट्यूब किसके अंदर काम में लेते हैं? एडल्ट पर्सन के अंदर, जो एडल्ट होते हैं उनमें हम काम में लेते हैं कफ ट्यूब. सेकेंड कौन सी होती है? नॉन कफ ट्यूब, जो किसमें काम में लेते हैं? छोटे बच्चों के अंदर. चिल्ड्रंस में हम कौन सी ट्यूब काम में लेते हैं? नॉन कफ ट्यूब, क्योंकि यहाँ पे हम किसको प्रिवेंट करना है? ट्रेकियल डेविएशन से. ठीक है, अगर कफ लगाएं, कफ वाले लगा देंगे तो यहाँ पे क्या है, कफ का प्रेशर पड़ेगा ट्रेकिया पे, तो ट्रेकिया का क्या हो सकता है? डेविएशन देखने को मिल सकता है. इसलिए बच्चों में कौन सी ट्यूब लगानी होती है? नॉन कफ ट्यूब. एमसीक्यू पूछा हुआ है, ध्यान में रखना, आगे भी आ सकती है. थर्ड टाइप कौन सा होता है? फेनेस्ट्रेटर. तो फेनेस्ट्रेटर ट्रेकियल ट्यूब के अंदर क्या होता है? यहाँ पे छोटे छोटे होल्स होते हैं ट्रेकेस्टोमी ट्यूब से, जिससे वो क्या कर सकता है, पर्सन जो है वो स्पीक करने में उसके हेल्प मिलती है. ठीक है, अगर कोई आपसे एग्जाम में पूछे कि एक पर्सन है जो बोल नहीं पा रहा है ड्यू टू ट्रेकेस्टोमी, तो उसको हम किस प्रकार की ट्रेकेस्टोमी ट्यूब लगा सकते हैं, तो काम ऑप्शन का राइट होगा, फेनेस्ट्रेटेड ट्रेकेस्टोमी ट्यूब यहाँ पे अपन काम में ले सकते हैं. नेक्स्ट एमसीक्यू क्या बनेगा? पोजीशन का. पोजीशन काफी इंपॉर्टेंट होती है फंडामेंटल में. तो एमसीक्यू है कि ट्यूब प्लेसमेंट के टाइम पोजीशन कौन सी देनी होती है? तो पोजीशन कौन सी देनी होती है? रोज पोजीशन. अगर ऑप्शन में रोज पोजीशन ना रहे तो क्या ऑप्शन करेक्ट मानना है? सुपाइन विथ हाइपर एक्सटेंशन ऑफ नेक. ठीक है, सुपाइन विथ हाइपर एक्सटेंशन वाली पोजीशन यहाँ पे प्रोवाइड करवानी है. ठीक है, और यहाँ पे देने से पहले अपन क्या करते हैं? एनेस्थीसिया देते हैं. किस से देते हैं? 2% जाइलोकाइन से. हम क्या करते हैं, जो स्प्रे से अपन क्या कर सकते हैं, इसको यहाँ पे एनेस्थेटाइज कर सकते हैं इस रीजन के अंदर. आफ्टर प्लेसमेंट, ये तो है ट्यूब प्लेसमेंट या फिर ड्यूरिंग प्लेसमेंट एमसीक्यू. अब आपसे क्वेश्चन पूछे कि आफ्टर प्लेसमेंट पेशेंट को कैसा रख, किस पोजिशन में रखना है? तो फोलर पोजीशन में. ठीक है, फोलर पोजीशन में आपको रखना है. क्यों रखना है? क्योंकि प्रिवेंट एडिमा ऑन इनसीजन साइट. ठीक है, इनसीजन साइट से एडिमा को प्रिवेंट करने के लिए हमें क्या करना है? फोलर पोजीशन में हमें प्रोवाइड, पेशेंट को जो है वो फोलर पोजीशन प्रोवाइड करनी है. ठीक है, नेक्स्ट सेक्शन. सेक्शन कब करो? SOS पे, एज नीड पे. ठीक है, नॉट मोर देन 10 सेकेंड. 10 सेकेंड से ज़्यादा कभी भी यूज में मत लो. सक्शन करने से पहले क्या करो? हाइपर ऑक्सीजनेट कर दो. किससे? 100% ऑक्सीजन से. नेक्स्ट MCQ क्या बन सकता है? मीजर कफ प्रेशर. ट्रेकेस्टोमी ट्यूब का कफ प्रेशर मीजर करना है, तो कब कितने टाइम से करना है? 8 आवरली आपको मीजर करना है. किसके साथ में करना है? एनेरोइड मैनोमीटर की मदद से. यहाँ पे क्या करना है? 8 आवरली आपको असेस करना होता है एवरी शिफ्ट. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट MCQ, कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकती है ट्रेकेस्टोमी की? तो लेरिंजियल नर्व में डैमेज देखने को मिल सकता है. अच्छा, और ट्रेकेस्ट्रक्शनिंग करते हैं तो क्या हो सकता है पेशेंट को? ब्रेडिकार्डिया भी हो सकता है. तो ध्यान में रखना, अगर एग्जाम में पूछे वाइटल साइन में किसी ड्यूरिंग सेक्शन पेशेंट को क्या हो सकता है, तो ब्रेडिकार्डिया यहाँ पे हो सकता है.
डेडिकार्डिया क्यों होगा? क्योंकि वेगस नर्व स्टिमुलेट कर देगा। ठीक है, तो इसी के साथ ही आज की अपनी क्लास को कंप्लीट करते हैं। आशा करता हूँ कि आपको लेक्चर काफ़ी अच्छा लगा होगा आज का। काफ़ी सारे एमसीक्यू हमने सोल्व किए हैं। ठीक है, एमसीक्यू के नंबर यहाँ पे अगर अराउंड 10 to 15 होंगे, बट टॉपिक्स के अंदर हमने कितने सारे एमसीक्यू सोल्व किए हैं आप उन पर गौर कीजिएगा। तो यही अपना आरएनसीसी का क्वालिटी अपन यही इसी तरह से मेंटेन करके रखेंगे आगे भी, ताकि क्योंकि हम जो है वो टॉपिक के अंदर क्वेश्चन खूब सारे बता देते हैं जो आके एग्जाम के अंदर आपको देखने को मिल सकते हैं। तो यहीं पे आज की अपनी क्लास को कंप्लीट करते हैं। आशा करता हूँ आपको वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा। गिव अ लाइक थम टू अवर यूट्यूब टू अवर क्लास एंड सब्सक्राइब टू अवर यूट्यूब चैनल। हम डेली बेसिस पे जो है वो क्लासेस लेके आएंगे टिल नोट सेट, जो हम क्या करेंगे इसमें प्रीवियस एम्स के एमसीक्यू सॉल्व करवाएंगे। ठीक है, और कोई भी ऐसा दूसरा रेंडम एमसीक्यू हम नहीं लेके आएंगे, केवल प्रीवियस एमसीक्यू लेके आएंगे। साथ साथ में हमने क्या किया है, आरएनसीसी की ऑफिशियल जो ऐप स्टोर है, ऐप से आप डाउनलोड कर सकते हो, उस पर हमने क्या किया है नॉर्थसेट 2023 के लिए हमने टोटल 120 टेस्ट है जो हमने यहाँ पे बना रखे हैं, जिसकी प्राइस भी एकदम अफोर्डेबल रखी है। तो जो भी स्टूडेंट चाहे अफोर्डेबल प्राइस में रखा है तो प्रिपरेशन काफ़ी अच्छी होगी उनकी भी। यहाँ से भी एक से बेहतर एक एमसीक्यू आपको वहाँ भी देखने को मिलेंगे। आपकी प्रिपरेशन, आपकी नेगेटिव मार्किंग, सब चीज़ों में आपका जो है वो कमांड हो जाएगा, आपका कॉन्फिडेंस भी बूस्टअप होगा। तो मैं चाहता हूँ कि आप एमसीक्यू भी उतना ही सोल्व करें जितनी आप थ्योरी पढ़ रहे हैं, क्योंकि आपका एग्जाम के अंदर आपके एमसीक्यू ही आने। ठीक है, तो बाकी आप सब समझदार हो, आपको क्या करना है। तो विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच बने रहने के लिए। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास के अंदर। थैंक यू।